हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी लच्छे पराठे। इसलिए सबसे पहले हम मैदा लेते हैं एक प्याला। इसमें हमने आधा चम्मच मंगरेला डाला है, आधी चम्मच थोड़ी से कम अजवाइन डाला है, इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हमने चुटकी भर नमक भी डाला है इसमें। इसे अच्छे से हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको भून लेते हैं। इसको 5 मिनट के छोड़ देते हैं। अब इसके लिए हम बेलते हैं और इसमें हम देसी घी लगाते हैं, चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकती हैं। इसको धीमे धीमे हम आधा आधा कट करते हैं छोटे छोटे इसके। इसे एक ट्यूब पर तय करते हैं, इसको धीमे धीमे हम फोल्ड कर लेते हैं। इसको गोल गोल लोई करके इसको बेलते हैं। हम धीमे धीमे बेलेंगे, ज़्यादा जोर नहीं डालते हैं। इसको तवा गर्म हो गया, इसको अच्छे से हम सेकते हैं। इसमें देसी घी लगा लेते हैं, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। इसे धीमी आँच पर हम धीमे धीमे पकाते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही सॉफ्ट हमारे पराठे बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे धीमे धीमे हम पलट लेते हैं धीमी आँच पर। अब उसको एक बर्तन में निकालते, देखिए कितने अच्छे हमारे लच्छे पराठे बने। एक एक लच्छा इसमें निकल रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही करके हम सारे पराठों को तैयार कर लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही लाजवाब बना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।